लोटी लोटी खा रही है लोटी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि अल्लाह पाक के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ इस तरह के, इस्लामाबाद से हमारा न्योता है सुबहान असलम के अब्बू की तरफ से। एक माह पहले भी मैं वहाँ पर गुजार के आया हूँ रमज़ान के महीने में, तो उनका जो वहाँ पे काम है स्टील वर्कर्स का और बिल्डिंग लाइन का काम है, तो हमने भी सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है वो गलती से किया हुआ है, तो इसलिए हमें भी वहाँ पे जाना पड़ेगा एज अ सुपरवाइज़र। तो वो कह रहे थे कि वहाँ पे आएँ और जो है आगे जो अपनी ड्यूटी है वो सारे अंजाम दें उसे। तो हम कहाँ जा रहे हैं इस्लामाबाद? तुम भी जा रही हो साथ में? ये क्या खा रही? लोटी लोटी खा रही है लोटी। तो अभी पैकिंग वगैरह करेंगे और कपड़े वगैरह जो है रात के अम्मी ने धो के डाले हुए हैं सूखने के लिए, तो वो सूखते हैं तो उन्हें पैक करते हैं, तो फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ रवाना होते हैं। तो बाकी के जो व्लॉग हैं वो वहाँ पे जाके शूट हुआ करेंगे। व्लॉगिंग जो है वो साथ साथ चलती रहेगी, काम भी चलेगा व्लॉगिंग भी चलेगी, तो साथ में बाबो तू भी चलेगी। तो इनसे पूछो कि रोटी नहीं खानी? रोटी नहीं खानी, बस काम करना है। काम करना काला काम करना है? मेरा काम करना। मुछा नहीं सीधियाँ कराइया? मेरी चेक कर, सही नहीं? नहीं, नहीं सही हुई तो दस इन्हों को सही कराओ। मुछा सही कराओ। आगो लाइक करो, वीडियो लाइक करो, शेयर भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, सब्सक्राइब करो, की करो सब्सक्राइब, इधर मुंह कर के कह सब्सक्राइब करो, जा तेन कहने नहीं आता। ये चेक करें जी, कपड़े धो के मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं मेरे बेड पे। इस्लामाबाद की तैयारी हो रही है तो उसके लिए ये कपड़े जो है ना धोए हुए हैं। तो ये हमारा लैपटॉप यहाँ पे पड़ा हुआ है। रात का, रात को मैं यहीं पे वीडियो का काम कर रहा था तो नींद आई हुई थी, 12-1 का टाइम था शायद उस टाइम, तो मैं यहीं पे सो गया था फिर। तो जब रात को काम कर रहा था तो यहीं पे लेटा हुआ मैं यहीं पे सो गया था, तो लैपटॉप शायद बंद हो चुका है। चेक करते हैं इसे, तो ये पावर ऑफ हो गया हुआ। लैपटॉप की जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, तो अभी ऑन नहीं हो रहा, तो इसे चार्जिंग पे लगाते हैं ताकि चार्जिंग जो है वो फुल हो जाए, तो फिर जाके वीडियो जो मैं इजीली ये जो बना रहा हूँ ये भी एडिट कर लूँगा, और उसके अलावा दो वीडियो पिछली भी पड़ी हुई हैं वो भी एडिट हो जाएंगी। तो बैटरी माशाल्लाह इतनी होती है इसकी, चार्जिंग टाइम जो है बैटरी टाइम जो है वो इतना होता है कि एक वीडियो जो है ईजीली एडिट हो जाती है विद म्यूज़िक और सब कुछ मिला के। तो इसे लगाते हैं यहाँ पे, लो जी चार्जिंग लग चुका है, वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है जी, 8% हो गया, तो 25 मिनट जो है बता रहा है, तो 2 GB यानी 2 GB के लगभग वीडियो है, 1700 MB तकरीबन आधा घंटा जो है वो लग ही जाएगा इसे एक्सपोर्ट होने में। तो वीडियो हमारी जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है, अपलोड होने के लिए बिल्कुल रेडी है। वीडियो जो है वो अपलोडिंग पे लगा दी गई है, तो तकरीबन लगभग 40-50 मिनट के अंदर जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी। तो जब तक वीडियो अपलोड होती है हम रेडी शेडी हो लेते हैं। सियालकोट से इस्लामाबाद जो गाड़ियाँ जाती हैं उनका टाइम 2 बजे है, 1-2.5 बजे, तो उसके बाद 1-4 बजे जाती है, तो फिर शायद जो लास्ट वाली गाड़ी होती है वो रात के 2 बजे जाती है। तो अभी यहाँ से सियालकोट जाएंगे, तो वहाँ जाके पता करते हैं कि कितने बजे वाली गाड़ी जो है वो अवेलेबल है। सामान वगैरह जो है सब रेडी हो चुका है, नहा धो लिया और अब रह गया बस लैपटॉप। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि बाकी चीज़ें रहती हैं तो रह जाएं, लैपटॉप मोबाइल का चार्जर और ये बैग और वो जो ट्राईपॉड है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मस्ट हैं जो हमारे साथ जाएंगी। तो अभी यहाँ गाड़ी
गाड़ी का इंतज़ार किया जा रहा है, तो जब गाड़ी आएगी तो यहाँ से फिर सियालकोट के लिए निकलेंगे, मैं और मेरे साथ जो है। ठीक है, मेरे साथ आए हैं जी इदनान भाई, और हम दोनों जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे अभी थोड़ी देर में। आज संडे है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है जलालत हो रही है, गाड़ियां जो वो पीछे से भरी हुई आ रही हैं, तो डेढ़ से दो घंटा हमने वेट किया, इतने ही किया, डेढ़ दो घंटा हमने वेट किया, तो अब जाके जो हमें वो वैन मिली है, तो अब देखते हैं कितनी देर में ये सियालकोट पहुँचाती है, तो वहाँ से मिल जाएगी ना गाड़ी आसानी, वहाँ से आसानी से मिलेगी। ओटे ओटे वालों की हाल चेक करें ज़रा, पंखे जो लगाए हुए हैं फैशन के लिए वो भी बंद किए हुए हैं इन्होंने। साहब जो हैं वो सेल्फी लेने में मसरूफ़ हैं जी। अभी हम पहुंचे हैं जी महराज के, तो अभी यहाँ से तकरीबन 45 मिनट का जो सफ़र है वो बाकी है। तो फाइनली हम लोग जो है वो सियालकोट पहुंच चुके हैं, तो इदनान भाई जो हैं वो उन्हें ड्रामा वाले चौक थोड़ा सा काम है, क्रिकेट के जो बैट हैं वो लेने गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ लॉरी अड्डे, तो आधे घंटे तक वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह करके सियालकोट हमराई अड्डा पर हम पहुँच चुके हैं जी। तो इदनान भाई जो है उन्हें स्पोर्ट का कुछ सामान लेना था, वो गए हैं जी ड्रामा वाले चौक, ये हमारा सामान है, काफ़ी ज़्यादा सामान है, तो ये गाड़ी आई है जी वैगनार, तो वह कह रहे हैं भी इस पर ले कर जाएँगे आपको स्पेशल अगर गाड़ी नहीं आती, क्योंकि जो लास्ट वाला टाइम होता है वो रात के 1 बजे जाता है, तो उससे पहले कोई गाड़ी नहीं जाती। तो अभी देखते हैं भाई इदनान जो है वापस आते हैं सामान लेके, तो देखते हैं जी कौन सी गाड़ी पे जाना है, अगर इनके साथ मुनासिब हो गया रेंट वगैरह तो इसी पे जाएंगे, नहीं तो फिर ब्लॉल ट्रैवल वाले जो होते हैं उन पर जाएँगे। पता है ना क्यों फिर के आना होता है, फिर रस्ते फिर चुकते आते हैं, वो तो फायदा पता है जी, मैं पता ही हजरात बाबा दीवान बादशाह फौजी होटल आती है, ये हमारे इदनान साहब और साथ में जो ड्राइवर है हमारे वो हैं जी, ये वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है जी, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, स्टॉप किया है थोड़ी देर के लिए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो भाई लोगों के घर जाना था सुबह लोगों के घर, तो अभी रात के जो हैं 1 बज रहे हैं, रात का जो टाइम है वो 1 हो चुका है, तो अभी वो भाई जो है भाई लोग जो हैं वो इधर से चले गए हुए हैं, तो इसलिए अभी वहाँ जाना जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनका जो घर है रिहाइश है जो उनकी वो यहाँ से 1-2 घंटे की मुसाफत पर है, तो आज की रात जो है इदनान के पास हैं, सुबह होते ही भाई जब काम पे आएंगे तो फिर यहाँ से काम पे जाएंगे, तो फिर वहाँ से जब छुट्टी होगी रात को तो फिर देखते हैं
अगर भाई के घर जाना होगा तो फिर वहाँ पे जाएंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे फ्लैट पे रिहाइश मिली तो यहाँ पे रहेंगे। बाकी सुबह भाई लोगों से मुलाकात होती है तो देखते हैं आगे कि अब क्या प्लान्स हैं। तो अब आज के बाद जो है मेरी वीडियोस जो ब्लॉग्स होंगे वो यहीं पे आएंगे इस्लामाबाद के रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक आपको आपके बाद हैं कोई चीज़ से थोड़ी कमी से मिली करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।